नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो एक रिवीजन वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे हो कि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, जितना लंबा बन सके उतना लंबा बनाने का प्रयास जारी रहेगा। तो राहुल सांकृत्या ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? राहुल सांकृत्या ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। राहुल सांकृत्या ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। धवनी के दो भेद कौन कौन से हैं? अभिदामुला धवनी और लक्षणामुला धवनी। धवनी के दो भेद अभिदामुला धवनी और लक्षणामुला धवनी। संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? कबीरदास जी को माना जाता है। संत काव्य धारा का प्रथम कवि कबीरदास जी को माना जाता है। अलंकार शेखर की रचना किसने की? केशव प्रसाद मिश्र ने। अलंकार शेखर की रचना केशव प्रसाद मिश्र ने की। चलिए, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने कहा। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण कौन मानते हैं? केशव प्रसाद मिश्र मानते हैं। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण केशव प्रसाद मिश्र मानते हैं। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया? आदिकाल का नाम वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। काव्य प्रकाश की रचना किसने की? मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की थी। अभिदामुला ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? विवक्षित वाच्य ध्वनि, विवक्षित वाच्य ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रालोक की रचना किसने की? जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की। आदिकाल का नाम संधिचारण काल किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम संधिचारण काल दिया। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्या ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। साधारणीकरण कवि की भावना के साथ होता है, ये विचार किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। साधारणीकरण कवि की भावना के साथ होता है, ये विचार किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। चलिए, काव्यानुशासन ग्रंथ की रचना किसने की? काव्यानुशासन ग्रंथ की रचना आचार्य हेमचंद्र ने की थी। लक्षणामुला ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? अविविक्षित वाच्य ध्वनि, अविविक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणामुला ध्वनि का दूसरा नाम। चलिए, हिंदी के प्रथम चंपू काव्य का नाम बताइए, राहुल वेल। हिंदी के प्रथम चंपू काव्य का नाम राहुल वेल है। श्रावकाचार्य की रचना किसने की? देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना की। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालीभद्र सूरी को माना है। शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। काव्य अलंकार पुस्तक की रचना किसने की? भामे ने की। काव्य अलंकार पुस्तक की रचना भामे ने की थी। चलिए, हिंदी के पहले आचार्य का नाम बताइए जिन्होंने साधारणीकरण पर विचार किया। हिंदी के, संस्कृत के नहीं है भैया, ये हिंदी के हैं। तो केशव प्रसाद मिश्र हैं। केशव प्रसाद मिश्र ने साधारणीकरण पर विचार किया था। काव्यादर्श पुस्तक की रचना किसने की? दंडी ने काव्यादर्श पुस्तक की रचना की। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श पुस्तक की रचना की। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। चलिए, आदिकाल का नाम वीरकाल किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीरकाल दिया था। आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया था। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया था। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन है। चलिए, काव्यालंकार सूत्रवर्ती की रचना किसने की? काव्यालंकार सूत्रवर्ती की रचना आचार्य वामन ने की थी। काव्यालंकार सूत्रवर्ती की। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आनंदवर्धन की रचना का नाम बताइए, धवन्या लोक है। धवन्या लोक है अन्य आ जाएगा, तो आनंदवर्धन की रचना का नाम धवन्या लोक है। चलिए, काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की? राजशेखर ने काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना की, राजशेखर ने। राहुल वेल के रचनाकार का नाम बताइए, रोड़ा कवि की रचना है राहुल वेल। राहुल वेल रोड़ा कवि की रचना है। चलिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम बताइए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का नाम दामोदर शर्मा है। दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वर्ण रत्नाकर के रचयिता का नाम बताइए, वर्ण रत्नाकर के रचयिता का नाम ज्योतिरीश्वर ठाकुर है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। दयाबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए, गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचना है दयाबोध। साधारणीकरण के सिद्धांत में मनुष्यों के
संबंधों का साधारणीकरण किसने माना है? साधारणीकरण के सिद्धांत में मनुष्यों के संबंधों का साधारणीकरण किसने माना है? बाबू गुलाब राय ने। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो एक रिवीजन वीडियो है कि हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार पुनः देख लेते हैं। बीच बीच में प्रश्न अलग अलग तरीके से डाले गए हैं। सरस्वती कंठाभरण की रचना किसने की? भोजराज ने की थी। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण की रचना की। ध्वनि को कवि की आत्मा किसने माना है? आनंद वर्धन ने ध्वनि को कवि की आत्मा माना है। ध्वनि को कवि की आत्मा आनंद वर्धन ने माना है। पंच अग्नि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखनाथ की रचना है पंच अग्नि। आइए अष्ट चक्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखनाथ की रचना है अष्ट चक्र। रसराहे रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोरखनाथ की रचना है रसराहे। कवि कंठाभरण की रचना किसने की? कवि कंठाभरण की रचना आचार्य क्षेमेंद्र ने की। आचार्य क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण की रचना की। पाठक का साधारणीकरण मानने वाले विचार का नाम बताइए। श्याम सुंदर दास है। पाठक का साधारणीकरण मानने वाले विचार का नाम है श्याम सुंदर दास और ये हिंदी के आचार्य हैं। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ की रचना किसने की? औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ की रचना आचार्य क्षेमेंद्र ने की। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ की रचना की। प्रबंध कोश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रबंध कोश रचना के रचनाकार का नाम राजशेखर है। तो प्रबंध कोश रचना है वो राजशेखर की रचना है। परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासों का दूसरा नाम आलहा खंड है। परमाल रासों का दूसरा नाम आला खंड है। चलिए आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य विश्वनाथ ने की थी। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना की थी। काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की? रुद्रट ने काव्यालंकार ग्रंथ की रचना की थी। तो काव्यालंकार दो हैं। चलिए अभिनव गुप्त ने रस को माना है व्यंजना व्यापार। अभिनव गुप्त ने रस को माना है व्यंजना व्यापार। चलिए भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? भट्ट नायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि का नाम बताइए। पुष्प दंत अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि का नाम है या पुष्य दंत भी कहते हैं इसको। तो पुष्प दंत। हिंदी में सबसे पहले दोहा चौपाई का प्रयोग किसने किया? तो उत्तर है सरहपा ने। सरहपा ने दोहा चौपाई का प्रयोग किया। काव्य को शब्द व्यापार किस विचारक ने माना है? भट्टनायक ने माना है। भट्टनायक ने काव्य के कितने व्यापारों का उल्लेख किया है? तीन व्यापारों का उल्लेख किया है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। काव्य के तीन व्यापारों का उल्लेख किया है, भावकत्व, भोजकत्व और अभिधा। रस निष्पत्ति का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसकी देन है? अभिनव गुप्त की देन है। रस निष्पत्ति का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत अभिनव गुप्त की देन है। सरप्पा का दूसरा नाम क्या है? सरोज वज्र। सरप्पा का दूसरा नाम सरोज वज्र है। परमात्म प्रकाश की रचना किसने की? जोइंदु ने परमात्म प्रकाश की रचना की। जोइंदु ने। भट्टलोलट के अनुसार रस की उत्पत्ति होती है मूल नायक में। भट्टलोलट के अनुसार रस की उत्पत्ति होती है मूल नायक में। भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? आरोपवाद। चलिए विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ये सूत्र किसने दिया? आचार्य भरत मुनि ने दिया था। पाहुड़ दोहा के रचयिता का नाम बताइए। राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। संदेश राशक खंड काव्य है। रेवंत गिरी रास की रचयिता का नाम बताइए। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि माना। शिव सिंह सरोज की रचना किसने की? शिव सिंह सेंगर ने। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में और फिर स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है तो 1050 से 1375 विक्रम संवत।
चलिए, प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? प्राकृत प्रकाश की रचना वर रुचि ने की थी। वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की। बटन नाइक के अनुसार रस को भोगने वाला कौन है? सैरिदे सामाजिक। सैरिदे सामाजिक है, वो रस को भोगने वाला है। आगे है, रस निष्पत्ति का सिद्धांत अनुमितिवाद प्रस्तुत करते समय चित्र तुरंग न्याय का सहारा किसने लिया? रस निष्पत्ति का सिद्धांत अनुमितिवाद प्रस्तुत करते समय चित्र तुरंग न्याय का सहारा किसने लिया? संकुक ने। जस हरचरिव की रचना किसने की? जस हरचरिव की रचना पुष्पदंत ने की थी। जस हरचरिव की रचना पुष्पदंत ने की थी। सिद्ध संतु की भाषा का क्या नाम है? संध्या भाषा है। तो सिद्ध संतु की भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा है। गोरख सार पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। गोरखनाथ की पुस्तक है गोरखसार। तो दोस्तों थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि काफी प्रश्न हमें देखने हैं और चाहो तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, प्ले करके आराम से दोबारा देख सकते हैं। और वैसे ये प्रश्न आपको करवाए हुए भी हैं इसीलिए थोड़ा जल्दी स्पीड है। गोरखबोध पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। गोरखबोध पुस्तक के लेखक का नाम गोरखनाथ है। कुमारपाल चरित के रचयिता का नाम हेमचंद्र है। कुमारपाल चरित के रचयिता का नाम हेमचंद्र है। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की? सोमप्रभ सूरि ने। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरि ने की। पौम चरिव के रचनाकार का नाम बताइए। स्वयंभू की रचना है पौम चरिव। महापुराण की रचना किसने की? पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की। पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए। मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। चलिए, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत पैंगलम। अनुकर्ता में अनुकार्य की अनुमानिक कल्पना करके आनंद की प्राप्ति का सिद्धांत किसने दिया? अनुकर्ता में अनुकार्य की अनुमानिक कल्पना करके आनंद की प्राप्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये शंकुक ने दिया था, शंकुक ने दिया। चलिए, रस निष्पत्ति के सिद्धांत में अनुकार्य किसको कहा गया है? मूल पात्रों को अनुकार्य कहा गया है। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी के नाम से किसने संपादित किया? पीताम्बर दत्त भड़थवाल ने। चलिए, पृथ्वीराज रसों में कितने समय हैं? 69 समय हैं। पृथ्वीराज रसों में 69 समय हैं। आचार्य संकूक ने विभाव इत्यादि को क्या माना है? अनुमापक माना है। अनुमापक माना है विभाव इत्यादि को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभावानुभाव वा मानात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव मानात रस निष्पत्ति सूत्र किसने दिया? तो ये सूत्र दिया संकूक ने। विभावानुभाव मानात रस निष्पत्ति सूत्र संकूक ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी व्यभिचारक भावे संबंधात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारक भावे संबंधात रस निष्पत्ति का सूत्र किसने दिया? तो ये सूत्र दिया था भट्ट नाइक ने। व्यभिचारक भावे संबंधात रस निष्पत्ति। चलिए, आचार्य शंकुक ने रस को क्या कहा माना है? अनुमाप्य माना है। आचार्य शंकुक ने रस को क्या माना है? अनुमाप्य माना है। रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर ने। रणमल छंद की रचना श्रीधर ने की थी। कथा सरित सागर के रचयिता का नाम बताइए। सोमदत्त की रचना है कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर है, सोमदत्त की रचना है। भ्रंग भ्रंगी के संवाद के रूप में किस रचना को लिखा गया है? कीर्तिलता को। कीर्तिलता को भ्रंग भ्रंगी के संवाद के रूप में लिखा गया है। कृष्ण रुक्मणी बेली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है कृष्ण रुक्मणी बेली। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने सहृदय के चित्त का साधारणीकरण माना है। अगला है, सहृदय का साधारणीकरण किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। सहृदय का साधारणीकरण किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। रस को पूर्ण आत्मगत किसने माना है? अभिनव गुप्त ने रस को पूर्णगत आत्मगत माना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। उपदेश रसायन रास के रचयिता का नाम बताइए। जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास है वो जिनदत्त सूरी की रचना है। चलिए, ललित ललाम ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये मतिराम का अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम मतिराम और अलंकार ग्रंथ है। रस रहस्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये कुलपति का ग्रंथ है, कुलपति मिश्र का, और रस संबंधी ग्रंथ है। कुलपति का ग्रंथ है और रस रहस्य है वो रस संबंधित ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार लता
रचना के रचनाकार का नाम सुखदेव मिश्र है और रस संबंधी ग्रंथ है, रस से संबंधित ग्रंथ है श्रृंगार लता। नाम रचनाकार का नाम सुखदेव मिश्र और रस संबंधित ग्रंथ। रस निष्पत्ति का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने दिया? अभिनव गुप्त ने। तो रस निष्पत्ति का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है वो अभिनव गुप्त ने दिया। रसानुभूति को साक्षात्कारात्मक प्रतीति किसने कहा? अभिनव गुप्त ने। साक्षात्कारात्मक प्रतीति अभिनव गुप्त ने कहा रसानुभूति को। चलिए काव्य प्रकाश की रचना कार का नाम बताइए। तो चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश है वो चिंतामणि की रचना है। आचार्य चिंतामणि के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। कवि कुल कल्पतरु। आचार्य चिंतामणि के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम है कवि कुल कल्पतरु। आचार्य देव के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम है शब्द रसायन। आचार्य देव का जो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है उसका नाम है शब्द रसायन। श्रीपति के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। काव्य सरोज श्रीपति का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। काव्य कल्पद्रुम की रचना किसने की? काव्य कल्पद्रुम की रचना श्रीपति ने की थी। तो श्रीपति ने काव्य कल्पद्रुम की रचना की थी। श्रीपति ने काव्य कल्पद्रुम की रचना की। श्रीपति का काव्य कल्पद्रुम किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये अलंकार ग्रंथ है। श्रीपति का काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ है वो अलंकार ग्रंथ है। अपचयवाद किसके रस निष्पत्ति के सिद्धांत को कहा जाता है? अपचयवाद। तो ये भट्ट लोलट के रस निष्पत्ति के सिद्धांत को अपचयवाद के नाम से भी जाना जाता है। रस ध्वनि का सुंदर समन्वय किसने किया? भट्ट लोलट ने रस ध्वनि का सुंदर समन्वय किया। भट्ट लोलट ने रस ध्वनि का सुंदर समन्वय किया था। अगला है रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध किसने स्वीकार किया? व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध अभिनव गुप्त ने स्वीकार किया था। रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध किसने स्वीकार किया? अभिनव गुप्त ने। भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। शिवराज भूषण भूषण के अलंकार ग्रंथ का नाम है। चलिए मतिराम के रस संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो रस संबंधी ग्रंथ का नाम है रसराज। रसराज मतिराम के रस संबंधी ग्रंथ का नाम है। महाराजा जसवंत सिंह के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह के अलंकार ग्रंथ का नाम है। महाराजा जसवंत सिंह के अलंकार ग्रंथ का नाम भाषा भूषण है। रहीम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो रहीम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम भैरव नायिका भेद है। भैरव नायिका भेद है वो रहीम का रस संबंधी ग्रंथ है। आचार्य देव के रस संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। सुख सागर तरंग है वो आचार्य देव का रस संबंधी ग्रंथ है सुख सागर तरंग। चलिए कृपाराम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। हित तरंगिणी कृपाराम का रस संबंधित ग्रंथ है हित तरंगिणी। सेनापति के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो ये कवित्र रत्नाकर सेनापति का अलंकार ग्रंथ है। आगे गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम अलंकार चंद्रिका है। अलंकार चंद्रिका गोप कवि का अलंकार ग्रंथ है। भावत्व व्यापार आदि से विभावादि का साधारणीकरण किसने माना है? भावत्व व्यापार आदि से विभावादि का साधारणीकरण किसने माना है? तो ये भट्ट नायक ने माना है। भट्ट नायक ने भावत्व व्यापार से विभावादि का साधारणीकरण माना है। विभावानु भावेभिचारी अभिव्यंजनात् रसाभिव्यक्ति ये सूत्र किसने दिया? विभावानुभाव व्यभिचारी अभिव्यंजनात् रसाभिव्यक्ति सूत्र किसने दिया? तो अभिनव गुप्त ने दिया था। अभिनव गुप्त ने ये सूत्र दिया था विभावानुभावे व्यभिचारी अभिव्यंजनात् रसाभिव्यक्ति। रस निष्पत्ति के किस व्याख्याकार ने रस निष्पत्ति के किस व्याख्याकार ने सैरिदे को अधिक महत्व नहीं दिया? भट्ट लोलट ने अधिक महत्व नहीं दिया था सैरिदे को। केशवदास के अलंकार संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए कविप्रिया। केशवदास के अलंकार संबंधी ग्रंथ का नाम कविप्रिया। अली आली प्रकाश की रचना किसने की? सुखदेव मिश्र ने। अली प्रकाश की रचना सुखदेव मिश्र ने अली प्रकाश। रसलीन के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। रस प्रबोध है वो रसलीन का रस संबंधित ग्रंथ है रसलीन का रस संबंधित ग्रंथ। दूल्हे के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। कवि कुल कंठाभरण है वो दूल्हे का अलंकार ग्रंथ है। कवि कुल कंठाभरण दूल्हे का अलंकार ग्रंथ है। चलिए कालिदास त्रिवेदी के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। वधु विनोद। वधु विनोद है वो कालिदास त्रिवेदी का रस संबंधित ग्रंथ है। पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो पद्माकर का अलंकार ग्रंथ पद्माभरण है। पद्माभरण है वो पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है। अलंकार दर्पण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो महाराज राम सिंह की रचना है और ये अलंकार ग्रंथ है। महाराज राम सिंह की रचना है और ये अलंकार ग्रंथ है। भिखारी दास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का
नाम बताइए। तो भिखारी दास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम काव्य निर्णय है। काव्य निर्णय है वो भिखारी दास का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। भिखारी दास के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। श्रृंगार निर्णय उनका रस संबंधित ग्रंथ है, श्रृंगार निर्णय। भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है भाषा सर्वेक्षण। भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा? राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा था। राम प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रांति काल कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल कहा, वासुदेव सिंह ने। चलिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा? शंभुनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल कहा था, शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल को प्राचीन काल कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल किसने कहा? तो बाल्यकाल कहा था रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। विभावानुभाव संबंधात रसोत्पत्ति, विभावानुभाव संबंधात रसोत्पत्ति रस निष्पत्ति का यह सूत्र किसने दिया? भट्ट लोलट ने। विभावानुभाव संबंधात रसोत्पत्ति ये रस निष्पत्ति का सूत्र भट्ट लोलट ने दिया। रस निष्पत्ति के संबंध में भोज्य भोजक भाव संबंध को किसने स्वीकार किया? तो भोज्य भोजक भाव संबंध को किसने स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया भट्ट नायक ने। भट्ट नायक ने भोज्य भोजक भाव संबंध को स्वीकार किया। अगला है, रस निष्पत्ति के सिद्धांत में विभाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक अनुभाव के साथ गम्य गमक संचारी भाव के साथ पोषक पोष्य पोषित भाव संबंध को किसने स्वीकार किया? तो रस निष्पत्ति के सिद्धांत में विभाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक अनुभाव के साथ गम्य गमक संचारी भाव के साथ पोष्य पोषित भाव संबंधों को किसने स्वीकार किया? तो ये भट्ट लोलट ने स्वीकार किया था, भट्ट लोलट ने। अगला है, हिंदी साहित्य का आदिकाल को आधारकाल किसने कहा? मौन अवस्थी ने आधारकाल कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधारकाल मौन अवस्थी ने कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? संक्रमण काल, तो ये राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा था, राम खिलावन पांडे ने। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? अंधकार काल, तो ये पृथ्वीनाथ कमल ने अंधकार काल कहा था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल ने कहा था। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को कवि विलास युग किसने कहा? कवि विलास युग स्नातक सत्यकाम वर्मा ने कहा था, कवि विलास युग स्नातक सत्यकाम वर्मा ने कहा था हिंदी साहित्य के रीतिकाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी आलोचना नामक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी आलोचना रचना के रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना हिंदी आलोचना नामक रचना के रचनाकार। आलोचना की रचना यात्रा रचना सॉरी आलोचना की रचना यात्रा नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो धनंजय वर्मा की पुस्तक है आलोचना की रचना यात्रा। चलिए, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन या कामायनी का पुनर्मूल्यांकन आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक रचना है। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा रामदर्श सिंह की रचना है, आलोचनात्मक रचना है हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा। रस निष्पत्ति का कौन सा सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है? उत्पत्तिवाद। तो रस निष्पत्ति का कौन सा सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है? तो उत्पत्तिवाद है। रस निष्पत्ति का कौन सा सिद्धांत न्याय दर्शन पर आधारित है? अनुमितिवाद, अनुमितिवाद है वो न्याय दर्शन पर आधारित है। रस निष्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सांख्य दर्शन पर आधारित है? तो ये भुक्तिवाद सिद्धांत है, वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। हिंदी नाटक समालोचना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी नाटक समालोचना रचना के रचनाकार का नाम माधवानंद ओझा है, माधवानंद ओझा का ये रचना है हिंदी नाटक समालोचना। चलिए, साहित्य एक यातना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रभाकर क्षोत्रिय, प्रभाकर क्षोत्रिय की ये रचना है कविता का गल्फ। रचना के रचनाकार का नाम बताइए। केदारनाथ सिंह की रचना है कविता का गल्फ। नेक्स्ट है समीक्षा की समीक्षा, रचना के रचनाकार का नाम बताइए प्रभाकर माचवे। समीक्षा की समीक्षा, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, तो लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है नई कविता के प्रतिमान। कविता की तीसरी आंख, रचना के रचनाकार प्रभाकर क्षोत्रिय, प्रभाकर क्षोत्रिय कविता की तीसरी आंख।
रस निष्पत्ति का कौन सा सिद्धांत शैव दर्शन पर आधारित है? तो अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद है शैव दर्शन पर आधारित है। रस निष्पत्ति का अभिव्यक्तिवाद किसने दिया था? अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने दिया था। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया। रस निष्पत्ति का अनुमितिवाद सिद्धांत किसने दिया? संकुक ने दिया था। अनुमितिवाद सिद्धांत संकुक ने दिया था। भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? 1937। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है भोर का तारा। ये रेखाएं ये दायरे एकांकी के रचनाकार का नाम विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की ये एकांकी है। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम उदय शंकर भट्ट की ये एकांकी स्त्री का हृदय। तांबे के कीड़े एकांकी का नाम भुवनेश्वर की एकांकी है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर की एकांकी का नाम है। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता का नाम धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की एकांकी है नदी प्यासी थी। चार एकांकी के रचयिता का नाम उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। चार एकांकी बादल के मृत्यु एकांकीकार के एकांकी के एकांकीकार का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 1930 में ये एकांकी प्रकाशित हुई। रस निष्पत्ति का उत्पत्तिवाद सिद्धांत किसने दिया? भट्ट लोलट ने दिया था। रस निष्पत्ति का उत्पत्तिवाद सिद्धांत भट्ट लोलट ने दिया। रस निष्पत्ति का भुक्तिवाद सिद्धांत किसने दिया? भट्ट नायक ने दिया था। तो भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति का भुक्तिवाद सिद्धांत दिया था। अंडे के छिलके कहानी सॉरी अंडे के छिलके एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए मोहन राकेश की ये एकांकी अंडे के छिलके। साधारणीकरण का अर्थ क्या है? तो साधारणीकरण का अर्थ है राग द्वेष माया मोह ममता आदि बंधनों से मुक्त होकर मनुष्य का अपने आप में खोना या निर्व्यक्तिक भावभूमि पर स्थापित हो जाने। यानी राग द्वेष माया मोह आदि से मुक्त होकर रस में निमग्न हो जाता है उसको साधारणीकरण कहा जाता है। धवन्यालोक लोचन की रचना किसने की? धवन्यालोक लोचन तो ये अभिनव गुप्त ने की थी। धवन्यालोक लोचन की रचना अभिनव गुप्त ने की थी। भरत मुनि के रस सूत्र के सर्वाधिक मान्य व्याख्याकार कौन है? तो ये अभिनव गुप्त हैं। समस्याकांत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। समस्याकांत उदय शंकर भट्ट की एकांकी समस्या का अंत। आजादी की नींव एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। भुवनेश्वर की एकांकी है आजादी की नींव। भुवनेश्वर की एकांकी आजादी की नींव। चलिए अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। अंधकार और प्रकाश उदय शंकर भट्ट का एकांकी अंधकार और प्रकाश। ताजमहल के आंसू एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए तो लक्ष्मी नारायण लाल का ये एकांकी है ताजमहल के आंसू। भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए महेश चंद्र प्रसाद और सन 1918 में ये प्रकाशित। आदिम युग एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। आदिम युग एकांकी के रचयिता का नाम है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की एकांकी आदिम युग। सिकंदर एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। भुवनेश्वर की एकांकी है सिकंदर। पर्वत के पीछे एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है पर्वत के पीछे। धूमसिका एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट की एकांकी है धूमसिका। साधारणीकरण का संबंध मधुमति भूमिका के साथ बिठाने का सफल प्रयास किसने किया? केशव प्रसाद मिश्र ने किया था। तो यह प्रश्न मोस्ट है। साधारणीकरण का संबंध मधुमति भूमिका के साथ बिठाने का सफल प्रयास केशव प्रसाद मिश्र ने। केशव प्रसाद मिश्र के बाद मधुमति भूमिका के संदर्भ में साधारणीकरण की व्याख्या किसने की? श्याम सुंदर दास ने। तो केशव प्रसाद मिश्र के बाद मधुमति के संदर्भ में जो साधारणीकरण की व्याख्या की वो श्याम सुंदर दास ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणकरण माना है आलंबनत्व धर्म का। आलंबनत्व धर्म का साधारणकरण माना है। उपाधि और व्याधि एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। उपाधि और व्याधि एकांकी के रचनाकार का नाम है देवी प्रसाद गुप्त और सन 1921 में प्रकाशन हुआ था। रेशमी टाई एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है रेशमी टाई। पर्दे के पीछे एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट का एकांकी है पर्दे के पीछे। नाटक बहुरंगी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए तो लक्ष्मी नारायण लाल का ये एकांकी है नाटक बहुरंगी। रस का मूल आधार क्या है? रस का मूल आधार स्थाई भाव है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने साधारणकरण माना है कवि अथवा शहरीदे के मध्य भावना के तादात्म्य को। कवि अथवा शहरीदे के मध्य भावना के तादात्म्य को साधारणकरण माना है। समस्त कवि कल्पित व्यापार का साधारणकरण किसने माना है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। तो ये प्रश्न है वो वीडियो में पहले रिपीट हो चुके हैं लेकिन आपके रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी इसके लिए दिए गए हैं। कवि
समस्त कवि कल्पित व्यापार का साधन किसने माना? आचार्य नंदूलाल वाजपेयी ने। लबड दो दो एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, बद्रीनाथ भट्ट 1926। लबड़ दो दो एकांकी के एकांकीकार का नाम बद्रीनाथ भट्ट 1926 में यह प्रकाशित हुई। आज का आदमी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए, उदय शंकर भट्ट की एकांकी आज का आदमी। दूसरा दरवाजा एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए, लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है दूसरा दरवाजा। चारुमित्रा एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है चारुमित्रा। दोष दर्शन के आधार पर साधारण किनके प्रक्रिया को प्रस्तुत किसने किया? दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत किसने किया? आचार्य जगन्नाथ ने। आचार्य जगन्नाथ ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया था। सैरिदे की चेतना का साधारणीकरण किसने माना है? केशव प्रसाद मिश्र ने। सैरिदे की चेतना का साधारणीकरण केशव प्रसाद मिश्र ने माना है। किस विचारक ने यह माना कि साधारणीकरण कवि की भावना के साथ होता है? रामदहिन मिश्र ने। सॉरी, किस विचारक ने यह माना कि साधारणीकरण कवि की भावना के साथ होता है? रामदहिन मिश्र ने। सात प्रहसन एकांकी रचयिता का नाम बताइए, उदय शंकर भट्ट का एकांकी है सात प्रहसन। उमर कैद एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, गिरिजा कुमार माथुर का एकांकी है उमर कैद। मान विजय एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, हनुमान शर्मा का एकांकी है 1936 में प्रकाशित हुआ। मान विजय एकांकी के एकांकीकार। देवताओं की छाया में एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए, उपेंद्रनाथ अशक का एकांकी है देवताओं की छाया में। सप्त किरण एकांकी के रचयिता का नाम बताइए, सप्त किरण तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है सप्त किरण। पक्का गाना एकांकी के रचयिता का नाम बताइए, उपेंद्रनाथ अशक का एकांकी है पक्का गाना। एक घूंट एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए, जयशंकर प्रसाद 1930 में प्रकाशित हो हिंदी का पहला एकांकी होने का गौरव है इसको। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ एकांकी के रचनाकार का नाम उपेंद्रनाथ अशक, तो उपेंद्रनाथ अशक की एकांकी है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। विभूति एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए, विभूति एकांकी के रचनाकार का नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा का एकांकी है विभूति। साहब को जुकाम है एकांकी रचयिता का नाम बताइए, उपेंद्रनाथ अशक, साहब को जुकाम है। चार बेचारी एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, तो पांडे बेचन शर्मा उगर की एकांकी है सन 1929 में यह प्रकाशित हुई। सप्तरश्मि एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, सेठ गोविंददास का एकांकी है सप्तरश्मि, सप्तरश्मि सेठ गोविंददास का एकांकी है। दीपदान एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है दीपदान। सफेद कुआ कहानी के कहानीकार का नाम मंजुल भगत। और चलिए आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद का प्रतिध्वनि कहानी संग्रह का प्रकाशित हुआ 1926 में। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार का नाम मोहन राकेश। एकादशी एकांकी के एकांकीकार का नाम सेठ गोविंददास। एकादशी एकांकी के एकांकीकार का नाम सेठ गोविंददास। कारवां एकांकी के एकांकीकार का नाम भुवनेश्वर प्रसाद सन 1935 में प्रकाशित। कारवां एकांकी सन 1935 में प्रकाशित भुवनेश्वर प्रसाद। पंचभूत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए, पंचभूत एकांकी सेठ गोविंददास का एकांकी है पंचभूत, गोविंददास का एकांकी पंचभूत। ऋतुराज एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी ऋतुराज। चतुष्पथ एकांकी के रचयिता का नाम बताइए, चतुष्पथ तो ये सेठ गोविंददास का एकांकी है चतुष्पथ पथ। प्रद्युमन विजय नाटक की रचना किसने की? गणेश कवि ने। प्रद्युमन विजय नाटक की रचना गणेश कवि ने की। नहुष नाटक की रचना किसने की? नहुष नाटक की रचना गोपाल चंद्र गिरधर दास ने की थी, गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। जानकी मंगल नाटक की रचना किसने की? शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। जानकी मंगल नाटक की रचना शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। स्वागबिंदी एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, गणेश प्रसाद द्विवेदी, गणेश प्रसाद द्विवेदी का एकांकी है स्वागबिंदी। मातृ मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम बताइए, हरिकृष्ण प्रेमी का एकांकी है मातृ मंदिर। रिमझिम एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है रिमझिम। राष्ट्र मंदिर एकांकी के राष्ट्र मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम बताइए, राष्ट्र मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम है हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी का एकांकी है राष्ट्र मंदिर। दुर्गा एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए, उदय शंकर भट्ट सन 1934 में प्रकाशित। मान मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम बताइए, हरिकृष्ण प्रेमी। मान मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम हरिकृष्ण प्रेमी है।
रजत रश्मि एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है रजत रश्मि। न्याय मंदिर एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी है न्याय मंदिर। अंधा युग नाटक की रचना किसने की? धर्मवीर भारती ने। तो ये तो आना ही चाहिए सबको। अंधा कुआं नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण लाल ने। रस गंधर्व रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मणि मधुकर की रचना रस गंधर्व। एक ही कब्र में एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। उदय शंकर भट्ट। और 1936 में प्रकाशित वाणी मंदिर एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का एकांकी है वाणी मंदिर। चलिए जुई के फूल एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। जुई के फूल डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है जुई के फूल। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचना किसने की? भीष्म साहनी ने। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की रचना भीष्म साहनी ने की। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन। बकरी नाटक की रचना किसने की? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक की रचना की। ओ मेरे सपने एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है ओ मेरे सपने। मेरी बांसुरी एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर 1936 में प्रकाशित। चलिए परछाई एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर हैं इस रचना के रचनाकार। तिलचट्टा एकांकी के रचना तिलचट्टा नाटक की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस ने तिलचट्टा नाटक की रचना की। तिलचट्टा नाटक के मुद्रा राक्षस ने। द्रौपदी नाटक की रचना किसने की? सुरेंद्र वर्मा ने। द्रौपदी नाटक की रचना सुरेंद्र वर्मा ने। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल ने। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल। मयूर पंख एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मयूर पंख एकांकी के रचयिता का नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान एकांकी के रचयिता का नाम विष्णु प्रभाकर। इंसान एकांकी के रचयिता विष्णु प्रभाकर। सबसे बड़ा आदमी एकांकी के रचनाकार भगवती चरण वर्मा। सन 1936 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा। क्या वह दोषी था एकांकी के रचयिता? क्या वह दोषी था एकांकी के रचयिता विष्णु प्रभाकर। क्या वह दोषी था? पांचजन्य एकांकी के रचयिता। पांचजन्य एकांकी के रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पांचजन्य एकांकी के रचयिता का नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? या कोणार्क नाटक के नाटककार का नाम जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। लहरों के राजंश नाटक के नाटककार का नाम लहरों के राजंश नाटक के नाटककार का नाम मोहन राकेश का नाटक है ये। अम्बपाली नाटक के नाटककार का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है अम्बपाली। चलिए धर्मराज नाटक के नाटककार का नाम धर्मराज आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। धर्मराज नाटक के नाटककार का नाम 10 बजे रात एकांकी के रचनाकार का नाम विष्णु प्रभाकर। 10 बजे रात कौमुदी महोत्सव एकांकी के रचनाकार का नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौमुदी महोत्सव ऊंचा पर्वत गहरा सागर एकांकी के रचनाकार का नाम विष्णु प्रभाकर। ऊंचा पर्वत गहरा सागर। जयशंकर प्रसाद का जन्म कांपरुआ काशी में सुंगनी साहू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद। मानव जीवन के विविध गुप्त एवं जटिल पक्षों के उद्घाटनकर्ता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। मानव जीवन के विविध गुप्त एवं जटिल पक्षों के उद्घाटन करने वाले जयशंकर प्रसाद। भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्याता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त दुर्गस्वामिनी अजातशत्रु किस नाटककार के नाटक हैं? चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त दुर्गस्वामिनी अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चलिए अपना अपना जूता नाटक के नाटककार का नाम लक्ष्मीकांत वर्मा। अपना अपना जूता। पहला राजा नाटक के नाटककार का नाम जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा नाटक के नाटककार का नाम जगदीश चंद्र माथुर। अब्दुल्ला दीवाना नाटक के नाटककार का नाम लक्ष्मी नारायण लाल। कंकाल तितली इरावती किस उपन्यासकार के उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद के। इरावती अपूर्ण उपन्यास है। कामायनी महाकाव्य के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। देवव्रत कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद। देवव्रत कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद
कि किस कथा संग्रह में संग्रहित है? पांचवें कथा संग्रह में, पांचवें कथा संग्रह में संग्रहित है। जयशंकर प्रसाद के पांचवें कथा संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में, 1936 में पांचवें कथा संग्रह का प्रकाशन। रामकुमार वर्मा के घर का नाम साकेत, बंगले का नाम साकेत था। शारदीय नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर, शारदीय नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या सुंदर नाटक का प्रकाशन 1868 अनुदित रचना है। रामकुमार वर्मा जी से साक्षात्कार लेने के लिए कौन पहुंचे? सवाल सत्यार्थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पहली कविता कब लिखी? सन 1922 में, सन 1922 में उन्होंने लिखी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी पहली कविता किस शीर्षक से लिखी? देश सेवा नाम के शीर्षक से लिखी थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविता देश सेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के रूप में कितने रुपए प्रदान किए गए? 51 रुपए। देश सेवा के लिए 51 रुपए का पुरस्कार इनको मिला था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को 1922 में किसने अपने नव संपादित पत्र के लिए कविताएं लिखने के लिए आमंत्रित किया था? श्री रामरक्ष सिंह सहगल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को 1922 में किसने अपने नव संपादित पत्र के लिए कविताएं लिखने के लिए आमंत्रित किया था? रामरक्ष सिंह सहगल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित राष्ट्रीय दृष्टि सॉरी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखित कहानी का नाम बताइए? सुखद सम्मेलन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पहली और अंतिम कहानी कब प्रकाशित हुई? सुखद सम्मेलन 1922 में हिंदी साहित्य प्रसार कार्यालय नरसिंहपुर से पुस्तक के रूप में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रत्नावली नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1868 अनुदित नाटक है ये, रत्नावली नाटक अनुदित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पाखंड विडंबन नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1872 और ये भी क्या है? अनुदित नाटक है ये, अनुवाद क्या हुआ? नाटक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविताएं कौन से पत्र के माध्यम से प्रकाशित होती रही? कौन से पत्र के माध्यम से? तो चांद नामक पत्र के माध्यम से प्रकाशित होती थी और महादेव वर्मा ने भी इसका संपादन किया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक नाटकों के नाम बताइए? चारुमित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, कौमुदी, महोत्सव, दुर्गावती, दीपदान, नाना फडणवीस। तो चारुमित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, कौमुदी महोत्सव, दुर्गावती, दीपदान, नाना फडणवीस। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कौन सा काव्य लिखने पर सबसे ज्यादा संतोष और प्रसन्नता प्राप्त हुई? एकलव्य काव्य, एकलव्य काव्य लिखने पर संतोष और प्रसन्नता मिली इनको। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जबलपुर में मित्र मंडली द्वारा अभिनीत बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक में किसका अभिनय किया था? रणधीर के पुत्र का, मगर वे इसमें असफल रहे थे, मगर इस अभिनय में असफल रहे थे। बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक में अभिनय किया था लेकिन वो इसमें असफल रहे थे। हिंदी साहित्य 20वीं सदी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम। भारतेंदु हरिश्चंद्र के धनंजय विजय नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1873 अनुदित नाटक है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र के वैदिक हिंसा हिंसानुभूति नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1873 में और ये प्रहसन है, और ये मौलिक प्रहसन है। रस सिद्धांत आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए? डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है रस सिद्धांत आलोचनात्मक रचना। सूर साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए? सूर साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सूर साहित्य। चलिए भ्रमर गीत सार नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है भ्रमर गीत सार। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए? नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान। नई समीक्षा आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए? नई समीक्षा अमृत राय की रचना है नई समीक्षा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कपूर मंजरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1875 और अनुदित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत जननी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारत जननी 1877 और ये नाट्य गीत है 1877 में भारत जननी। आधुनिक हिंदी कहानी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए? लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। आलोचना आलोचक और आलोचना रचना के रचनाकार का नाम बताइए?
बच्चन सिंह की रचना आलोचक और आलोचना, मानव मूल्य और साहित्य, आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। धर्मवीर भारती की रचना है मानव मूल्य और साहित्य। विवेचना नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। इलाचंद्र जोशी की रचना है विवेचना। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गिरिजा कुमार माथुर। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। भारतेंदु हरिचंद्र के मुद्रा राक्षस नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1878। अनूदित रचना है ये। भारतेंदु हरिचंद्र के दुर्लभ बंधु नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1873। और ये प्रहसन है और ये भी अनूदित रचना है। अनूदित रचना है ये भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य हरिश्चंद्र नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1875 में। आलोचना के मान रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आलोचना के मान तो ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। आलोचना के मान, आलोचना के मान रचना के रचनाकार शिवदान सिंह चौहान है। साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो नामवर सिंह की रचना है साहित्य की प्रवृत्तियां। अगला है कहानी और नई कहानी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है कहानी और नई कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इतिहास और आलोचना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है इतिहास और आलोचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटिका श्री चंद्रावली का प्रकाशन कब हुआ? तो नाटिका का नाम है श्री चंद्रावली और उसका प्रकाशन कब हुआ? 1876 में, 76 में, यानी छत्तर बोल सकते हैं, 76। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक विशस्य विष्मोस्तम नाटक का प्रकाशन कब हुआ? विशस्य विष्मोस्तम नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1876 भाण। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद महाकवि सूरदास नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद महाकवि सूरदास नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है। नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं हैं। रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रस सिद्धांत नामक किस साहित्यकार की आलोचनात्मक रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचना है। रीति काव्य की भूमिका आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचना है। कामायनी अध्ययन की समस्याएं, कामायनी अध्ययन की समस्याएं, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, सॉरी, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा का प्रकाशन कब हुआ? 1880 में। नाट्य रस है ये, भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1880 में और नाट्य रस है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नील देवी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1881। गीति रूपक है ये, गीति रूपक है ये। जायसी ग्रंथावली तुलसीदास सूरदास आदि आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। जायसी ग्रंथावली तुलसीदास सूरदास आदि आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं ये। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नई समीक्षा नए संदर्भ, तो दो रचनाएं हैं ये। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं हैं ये। और निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1881 में और ये प्रहसन है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य प्रताप नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1833 में, सॉरी 1883 में और ये गीति रूपक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य प्रताप नाटक का प्रकाशन 1883 में और ये गीति रूपक है। प्रगतिवाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक रचना है प्रगतिवाद। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी,
हिंदी आलोचना की 20वीं सदी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर निर्मला जैन की रचना है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम जोगिन नाटक का प्रकाशन कब हुआ? प्रेम जोगिन नाटक का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रेम जोगिन नाटक का प्रकाशन 1875 में हुआ, ये नाटिका है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गजानंद माधव मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना है एक साहित्य की डायरी। संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना किसने की? संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना श्रीनिवास दास ने की थी। श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना की थी। अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना किसने की? अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना राधाचरण गोस्वामी ने की थी। चलिए छायावाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नामवर सिंह की रचना है छायावाद। प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। दो रचनाएं हैं, प्रेमचंद और उनका युग और भारतेंदु युग। तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग। महाराणा प्रताप नाटक की रचना किसने की? राधा कृष्ण दास ने। राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप नाटक की रचना की। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की रचना किसने की? श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की रचना की। काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। काव्य में अभिव्यंजनावाद। तप्ता समरण नाटक की रचना किसने की? लाला श्रीनिवास दास ने। लाला श्रीनिवास दास ने तप्ता समरण नाटक की रचना की। प्रणिनी परिणय नाटक की रचना किसने की? किशोरीलाल गोस्वामी ने। किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रणिनी परिणय नाटक की रचना की। मयंक मंजरी नाटक की रचना किसने की? किशोरीलाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी नाटक की रचना की। किशोरीलाल गोस्वामी ने नई रोशनी का विष नाटक की रचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने नई रोशनी का विष नाटक की रचना की। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां श्री परंपरा की खोज नामक, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां श्री परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो डॉक्टर नामवर सिंह। तो दो रचनाएं हैं, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां श्री परंपरा की खोज, डॉक्टर नामवर सिंह की रचनाएं हैं। हिंदी कहानी अंतरण पहचान आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी कहानी अंतरंग पहचान, और ये रामदर्श मिश्र की रचना है। हिंदी कहानी एक अंतरंग पहचान। तीर्थंकु आलोचनात्मक रचना के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, तीर्थंकु। उसके बाद है भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार अंबिका दत्त व्यास, भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार। दुखीनी बाला नाटक के नाटककार राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास का नाटक है दुखीनी बाला। देश दशा नाटक के नाटककार गोपालराम गैमरी, गोपालराम गैमरी का नाटक है देश दशा। साहित्य सृजना नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार साहित्य सृजना, इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी की रचना है साहित्य सृजना। आधुनिक हिंदी साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। नया हिंदी साहित्य आलोचनात्मक रचना प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक रचना है। नया साहित्य नए प्रश्न आलोचनात्मक रचना के रचनाकार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नया साहित्य नए प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना चिंतामणि के कितने भाग हैं? तो चिंतामणि के चार भाग हैं। श्रीदामा नाटक के नाटककार राधाचरण गोस्वामी, श्रीदामा नाटक के नाटककार राधाचरण गोस्वामी। सुदामा नाटक के नाटककार शिवनंदन सहाय, सुदामा नाटक के नाटककार शिवनंदन सहाय। कंसवध नारायण मिश्र का नाटक है, प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर साहित्य कबीर, दो रचनाएं हैं सूर साहित्य और दूसरी रचना है कबीर। आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका,
हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक आलोचनात्मक रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। चार रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो ये चारों जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आधुनिक हिंदी नाटक साकेत एक अध्ययन, भारतीय और सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, देव और उनकी कविता। तो यहाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं हटा देता हूं। ये चार्ट सौंदर्य हो गया, लेकिन इसको हटा देते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक साकेत एक अध्ययन, भारतीय, और फिर थोड़ा सा और हटाना पड़ेगा। ये भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, देव और उनकी कविता, देव और उनकी कविता। तो ये जो है रचनाएं, उन रचनाओं के रचनाकार का नाम बताना अपने को। आधुनिक हिंदी नाटक साकेत एक अध्ययन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, देव और उनकी कविता। तो ये जो रचनाएं हैं वो सारी की सारी रचनाएं हैं डॉक्टर नगेंद्र की और आलोचनात्मक रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना चित्राधार किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। जयशंकर प्रसाद की चित्राधार किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। रेणुका रचना के रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। खेत कोतु की रचना रहीम ने की थी। खेत कोतु की रचना रहीम ने की थी। अनामिका काव्य संग्रह के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका काव्य संग्रह बहुत सरल प्रश्न है तो इसीलिए जल्दी चल रहे हैं। हुंकार रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार रचना के रचनाकार, नगर शोभा रचना के रचनाकार रहीम। नगर शोभा रचना के रचनाकार रहीम। वेणुसार नाटक के नाटककार बालकृष्ण भट्ट। वेणुसार नाटक के नाटककार बालकृष्ण भट्ट। उर्वशी नाटक के नाटककार तो ये लक्ष्मी प्रसाद। उर्वशी नाटक नाटक है ये। रसवंती रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद की रचना कारण कुसुम कौन सी भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली हिंदी में। कानन कुसुम रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली हिंदी में। नील कुसुम रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। नील कुसुम रचना के रचनाकार। रहीम सतसई की रचना किसने की? रहीम सतसई रहीम ने की थी। रहीम सतसई की रचना रहीम ने। कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह के कवि रामधारी सिंह दिनकर। परिमल काव्य संग्रह के रचयिता का नाम परिमल काव्य संग्रह के रचयिता का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रश्मिरथी काव्य संग्रह के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। करुणालय नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद। करुणालय नाटक के नाटककार का नाम जयशंकर प्रसाद। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के नाटककार माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है। दोहावली की रचना किसने की? दोहावली और रचना तुलसीदास जी ने। चलिए उर्वशी काव्य संग्रह के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना है ये। झरना में कितनी कविताएं हैं? पहले 25 कविताएं, बाद में 55 कविताएं। गीतिका काव्य संग्रह के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है गीतिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद गीत काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम द्वंद गीत। तो चलिए द्वंद गीत काव्य संग्रह के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है जिसका नाम है द्वंद गीत। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार का नाम, अभी एक प्रश्न आया भी था डॉक्टर रामकुमार वर्मा से संबंधित, यह प्रश्न आया था। तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार का नाम है, क्या नाम है? बद्रीनाथ भट्ट। 1915 में यह प्रकाशित हुआ था चंद्रगुप्त नाटक, बद्रीनाथ भट्ट का नाटक था। रामकुमार वर्मा ने इसमें अभिनय करने का प्रयास किया था लेकिन वो असफल हो गए थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार, और यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है, दूसरा और प्रसिद्ध नाटक है। बाल दुर्दशा नाटक के नाटककार का नाम प्रताप नारायण मिश्र, और इस नाम से भी दो नाटक हैं। बाल दुर्दशा नाम से भी कवितावली की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इतिहास के आंसू रचना के रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर। इतिहास के आंसू रचना के रचनाकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर। सीपी और शंख काव्य संग्रह के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है सीपी और शंख। सेनापति उदल नाटक के नाटककार का नाम तो वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है सेनापति उदल। और बर्फ की दीवार नाटक के नाटककार का नाम विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी का नाटक है बर्फ की दीवार। सिंदूर की बिंदी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है सिंदूर की बिंदी। और प्रसाद के लहर काव्य संग्रह में कितनी कविताएं हैं? 43 कविताएं हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर एक 400-500 प्रश्नों का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। बड़े वीडियो बनाऊंगा, संकलन बहुत अच्छा करूंगा। हालांकि जल्दी बोला गया है थोड़ा सा, तो 400 प्रश्न 1 घंटे में बोलना थोड़ा जल्दी था, फिर भी माफ कीजिएगा। आपका रिवीजन जल्दी हो इसीलिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।